मीन्स अगर कोई नंबर थ्री से डिवाइड होता हो तो क्या वो नंबर नाइन से भी डिवाइड होगा तो ट्रू और फोर्स चेक करने से पहले हम कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो थ्री से डिवाइड होता मान लो मैंने एक नंबर ले लिया फिफ्टीन अब आप फिफ्टीन को देखो थ्री से डिवाइड हो रहे थ्री फाइव हजार फिफ्टीन लेकिन ये नाइन से डिवाइड नहीं हो रहा इसी तरह से अगर मैं एक नंबर ले लू एटीन अब एटीन देखो थ्री से डिवाइड हो रहा है थ्री सिक्स हजार एटीन नाइन टू हजार एटीन तो हर बार जरूरी नहीं है कि जो नंबर थ्री से डिवाइड होता हो वो नंबर नाइन से भी डिवाइड होगा क्योंकि थ्री जो है नाइन का मल्टीपल है तो अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो जरूरी नहीं है उसके मल्टीपल से डिवाइड हो डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्लियर नाउ सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास नंबर इज डिविजिबल बाय नाइन अ फर्स्ट स्टेटमेंट का उल्टा आ गया कि अगर कोई नंबर नाइन से डिवाइड होता हो इट मस्ट भी डिविजिबल बाय थ्री तब वो थ्री से जरूर डिवाइड होगा तो नाइन के टेबल का आप कोई भी नंबर ले लो आपने एटीन लिया एटीन नाइन से डिवाइड हो रहा है नाइन टू जर एटीन एटीन थ्री से भी डिवाइड हो रहा है थ्री सिक्स एटीन नेक्स्ट मल्टीपल ले लेते हैं नाइन के टेबल का ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव ये सारे नाइन के टेबल के नंबर हैं तो चेक करो ना ये सब नाइन से तो डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि नाइन की टेबल के ही नंबर हैं तो इन सब नंबर्स को आप चेक करो क्या ये सभी नंबर थ्री से डिवाइड हो रहे हैं यस थ्री नाइन सेवेंटी सिक्स थर्टी सिक्स भी थ्री से डिवाइड हो रहा है फोर्टी फाइव भी थ्री से डिवाइड हो रहा है आप इनके डिजिट्स का सम भी चेक कर सकते हो थ्री से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब अगर कोई नंबर बड़े नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर के मल जो फैक्टर्स हैं नाइन का फैक्टर है थ्री तो कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं उससे जरूर डिवाइड होता है फर्स्ट पार्ट में हमारे पास था थ्री का मल्टीपल नाइन तो कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसके मल्टीपल से जरूरी नहीं है वो डिवाइड हो लेकिन उसके फैक्टर्स से वो जरूर डिवाइड होगा इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट सी पार्ट ए नंबर इज डिविजिबल बाय एटीन इफ इट इज डिविजिबल बायथ थ्री एंड सिक्स की कोई नंबर एटीन से तब डिवाइड होगा अगर वो थ्री और सिक्स दोनों से डिवाइड हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है आपने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा था सिक्स का की ए नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स इफ इट इज डिविजिबल बाय टू एंड थ्री बोथ की सिक्स से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब वो टू और थ्री दोनों से डिवाइड हो जाता हो तो टू थ्री जा सिक्स बना था तो यहां भी हमारे पास थ्री और सिक्स है और थ्री सिक्स बन रहा है तो क्या जो नंबर थ्री और सिक्स दोनों से डिवाइड होता होगा वो एटीन से भी डिवाइड हो जाएगा तो ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा बेटा आप चेक कर लेते हैं पहले एक नंबर लेके मान लो मैंने नंबर ले लिया ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व थ्री से डिवाइड हो रहा है थ्री फोर जरा ट्वेल्व यस ट्वेल्व क्या Six से डिवाइड हो रहा है सिक्स टू यस ये नंबर जो ट्वेल्व मैंने लिया ये थ्री से भी डिवाइड हो रहा है सिक्स से भी डिवाइड हो रहा है तो थ्री सिक्स एटीन से डिवाइड होना चाहिए ना ये नंबर नहीं हो रहा ये खुद नंबर एटीन से छोटा है तो इसी तरह से आप मान लो ट्वेंटी फोर लेके देख लो ट्वेंटी फोर थ्री से डिवाइड हो रहा है यस ट्वेंटी फोर सिक्स से भी डिवाइड हो रहा है यस तो क्या ये एटीन से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा अब तो ये एटीन से भी बड़ा नंबर था तो क्यों नहीं डिवाइड हो रहा देखो जब हमने सिक्स के जो फैक्टर लिए ये टू और थ्री ये दोनों नंबर कैसे थे को प्राइम नंबर्स हमने पिछली एक क्वेश्चन में पढ़े थे को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में कि को प्राइम नंबर्स क्या थे टू प्राइम नंबर्स हुज़ कॉमन फैक्टर इज वन कि दो नंबर नम्ब, टू नंबर्स कॉमन फैक्टर इज वन तो टू और थ्री किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते इनका कॉमन फैक्टर वन है लेकिन ये जो नंबर है थ्री और सिक्स ये कैसे नंबर है नोट को प्राइम को प्राइम नहीं है समझ में आ रहा है आपको कि थ्री और सिक्स को प्राइम नहीं है क्योंकि थ्री और सिक्स का कॉमन फैक्टर क्या है थ्री आप थ्री के फैक्टर देखोगे तो क्या आएंगे वन और थ्री वन और थ्री आएंगे थ्री के फैक्टर सिक्स के फैक्टर देखोगे तो क्या आएगा वन टू और थ्री तो थ्री दोनों में कॉमन है वन भी कॉमन है मीन्स ये को को प्राइम नंबर नहीं है तो अगर दो को प्राइम नंबर होती हैं, उनसे कोई नंबर डिवाइड होता है तभी वो उनकी प्रोडक्ट से भी डिवाइड होता है और ये हमारे पास को प्राइम नंबर थे इसलिए इनकी प्रोडक्ट से डिवाइड हो रहा था सो दिस स्टेटमेंट इज फोल्स फोल्स है ये स्टेटमेंट नेक्स्ट डी पार्ट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय नाइन एंड टेन बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय इंटी अगर कोई नंबर नाइन और टेन दोनों से डिवाइड होगा तो वो नाइन्टी से भी डिवाइड हो जाएगा यस yes, ट्रू क्यों होएगा अभी ऊपर समझाया मैंने आपको सी पार्ट में अब आप देखो ये नाइन्टी के फैक्टर्स हैं नाइन एंड टेन फैक्टर्स हैं नाइन्टी के और ये कैसे फैक्टर्स हैं को हैं देखो नाइन और टेन किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते मीन्स इनका कॉमन फैक्टर वन ही है और ये कैसे नंबर है को हैं इसलिए जो इनके प्रोडक्ट है नाइन टेन या नाइनटी वो नंबर नाइनटी से भी डिवाइड हो जाएगा तो आप कोई भी नंबर लेके देख लो जो नाइन और टेन दोनों से डिवाइड होता हो नाइनटी से वो जरूर डिवाइड होगा ई पार्ट इफ टू नंबर आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम कि अगर कोई दो को प्राइम नंबर है तो उनमें से कम से कम एक नंबर प्राइम जरूर होगा तो चलो दो नंबर देख के देख लेते हैं फिफ्टीन और सिक्सटीन दो नंबर ले लिया मैंने दोनों नंबर कैसे दिख रहे हैं आपको फिफ्टीन कैसा नंबर है कंपोजिट है थ्री से डिवाइड हो रहा है फाइव से डिवाइड हो रहा है सिक्सटीन देखो टू से फोर से एट से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब दोनों नंबर कैसे हैं कंपोजिट नंबर्स हैं लेकिन अगर हम इनका कॉमन फैक्टर फाइंड करें फिफ्टीन के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे वन थ्री फाइव और फिफ्टीन इस तरह से सिक्सटीन के आप फाइंड करोगे तो शॉर्ट में मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए देख रही हूँ कि क्या क्या फैक्टर हो होता है सिक्सटीन वन से डिवाइड होता है टू से फोर से एट से और उसके बाद सिक्सटीन से तो आप देखो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है सिर्फ वन ही आ रहा है इसका मतलब दोनों कैसे नंबर हैं को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका फैक्टर वन है और वैसे दोनों कैसे नंबर हैं ये भी कंपोजिट है ये भी कंपोजिट है, है इसका मतलब ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये क्या है फोर्स है नेक्स्ट एफ पार्ट ऑल आर डिविजिबल डिविजिबल बाय बाय मस्ट आल्सो जो नंबर सभी 4 से डिवाइड होते हैं वो एट से भी डिवाइड होंगे ये सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि जो नंबर थ्री से डिवाइड होते हैं वो नाइन से होंगे तो फोर्स था क्योंकि जो एट है वो फोर का मल्टीपल है तो किसी नंबर के मल्टीपल से नंबर डिवाइड नहीं होते आप एग्जाम्पल लेके देख लो ट्वेल्व फोर से डिवाइड होता है एट से नहीं होता इसी तरह से आप नंबर ट्वेंटी ले लो फोर से डिवाइड हो रहा है लेकिन एट से डिवाइड नहीं हो रहा सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नेक्स्ट जी पार्ट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय फोर अब इसका रिवर्स आ गया कि जो फोर से डिवाइड होते थे वो जरूरी नहीं है एट से डिवाइड हो जाए लेकिन उसका उल्टा क्या है अगर नंबर एट से डिवाइड होता है तो ये जरूरी है वो फोर से जरूर डिवाइड होगा क्योंकि जो फोर है वो एट का फैक्टर है चेक करके देख लो आप एट की टेबल का कोई भी नंबर ले लो कुछ भी ले लो सब नंबर एट से डिवाइड हो रहे हैं और ये सब के सब नंबर फोर से भी डिवाइड हो रहे हैं फिर से बता रही हूं किसी नंबर के मल्टीपल से कोई नंबर डिवाइड होना जरूरी नहीं होता लेकिन उस नंबर के फैक्टर से वो नंबर जरूर डिवाइड होता है सो दिस इज ट्रू नेक्स्ट है If a number exactly divides two numbers separately, अगर कोई नंबर किन्हीं दो numbers को अलग अलग exactly divide करता है means पूरा divide करता है remainder जीरो आता है तो it must exactly divide their sum. तो फिर वो नंबर उन दोनों नंबर के sum को भी divide करेगा एक example लेके देखती है कि दो मैंने दो नंबर लिए मैंने सिक्स और ले लिया मैंने नाइन ठीक है दो नंबर है सिक्स और नाइन और ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं डिविजिबल बाय ये दोनों नंबर से डिवाइड होते हैं मतलब थ्री जो है, इन दोनों को exactly करता है फिर क्या क्या इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम तो ये नंबर थ्री इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन सिक्स प्लस कर दिया मैंने सिक्स और नाइन को तो क्या आ गया 15 और 15 भी डिवाइड होता है हमारा 3 से हो रहा है ना तो हमारे पास क्या आ गया यस yes. अगर कोई दो नंबर्स को एक नंबर अलग-अलग पूरा-पूरा डिवाइड करता है तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा क्या आ जाएगा ये हमारे पास ट्रू चेक करके देख लिया हमने नाउ लास्ट पार्ट इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स कि अगर कोई नंबर किन्ही टू नंबर्स के सम को डिवाइड करता है इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली तो वो उन दोनों नंबर्स को अलग अलग भी डिवाइड करेगा अब ये ऊपर वाले पार्ट का रिवर्स आ गया हमारे पास इसमें क्या था अगर दोनों को अलग अलग को डिवाइड करता है तो उसके सम को भी डिवाइड करेगा यहां पे इसका उल्टा है अगर सम को डिवाइड करता है तो उन दोनों नंबर्स को भी अलग अलग डिवाइड करेगा अब मान लो मैंने एक नंबर ले लिया फिफ्टीन और ये मैंने मन में सोच लिया कि सम किसका है ये फिफ्टीन जरूर थोड़ी ना सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन बनेगा फिफ्टीन को मैं एट प्लस सेवन फिफ्टीन भी तो कह सकती हूं अब ये नंबर जो फिफ्टीन है ये थ्री से डिवाइड होता है डिविजिबल बाय थ्री है क्लियर ऊपर भी देख लिया हमने यही नंबर फिफ्टीन जो थ्री से डिवाइड होता है ये सम है इन दो नंबर्स का एट और सेवन का तो ये एट और ये सेवन क्या ये दोनों नंबर थ्री से डिविजिबल है नो नोट डिविजिबल वाई Not divisible by 3. ये दोनों नंबर थ्री से डिवाइड ना तो एट डिवाइड हो रहा ना ही सेवन डिवाइड हो रहा तो ये उसका उल्टा हो गया रिवर्स हो गया तो जरूरी नहीं है अगर दो नंबर्स का सम उस नंबर से डिवाइड होता हो तो वो दोनों नंबर भी डिवाइड होंगे तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई फोर्स आप फिफ्टीन का सम आप कोई भी और दो नंबर लेकर देख सकते हो जो थ्री से डिवाइड ना होते हो लेकिन उनका सम थ्री से डिवाइड हो सकता है आप एटीन एटीन थ्री से डिवाइड होता है और मैं 18 को कह दूं कि 18 क्या है सेवन प्लस इलेवन एन हो सकता है तो एटीन थ्री से डिवाइड हो रहा है लेकिन सेवन और इलेवन थ्री से डिवाइड नहीं हो रहे हैं सो दिस स्टेटमेंट इज रही so, तो आई होप आपको ये सारी स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई होंगी बेटा जब शॉर्ट क्वेश्चन एमसी वगैरह आते हैं तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बनते हैं तो इनको ध्यान से समझो आप अच्छे से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें Keep practicing. Thank you.